दक्षिण भारत में कर्नाटक आध्यात्मिक रूप से बहुत संपन्न प्रांत है। इस प्रांत में विभिन्न धार्मिक संस्थाएं व मठ अध्यात्म शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसा ही आध्यात्मिक केंद्र है जिला बेलगांव के मुगलखोड़ स्थित श्री सदगुरु श्री यल्ला लिंगेश्वर सुक्षेत्र। गत 13 जनवरी को पूज्य स्वामी जी महाराज श्री यशदेव शास्त्री जी के साथ इस मठ में आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचे, जहां मठ के प्रतिनिधियों ने स्वामी जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया व आशीर्वाद प्राप्त किया। स्वामी जी महाराज के आगमन के कुछ क्षणों पश्चात केंद्रीय गृह मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का भी आगमन हुआ। स्वागत सत्कार के पश्चात पूज्य स्वामी जी महाराज व राजनाथ सिंह जी ने मंदिर का उद्घाटन किया व भवन के अंदर पूज्य सिद्ध रामेश्वर स्वामी जी की नवनिर्मित प्रतिमा का अनावरण किया। इसके पश्चात मठ के मठाधिपति श्री मुर्घ राजेंद्र महास्वामी जी, स्वामी जी महाराज व श्री राजनाथ सिंह जी को लेकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। मंच पर दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात मुर्घ राजेंद्र महास्वामी जी, श्री राजनाथ सिंह जी व अन्य ने स्वामी जी महाराज को शिक्षा संस्कृति व अध्यात्म के क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व कार्यों के लिए सिद्ध श्री पुरस्कार से सम्मानित किया व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इसके पश्चात श्री राजनाथ सिंह जी को भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। मंच पर पुस्तक का भी लोकार्पण किया गया। स्वामी जी महाराज व राजनाथ सिंह जी के आने से पूर्व मठ की ओर से 700 संतों के चरण पूजन भी किया गया। आइए देखते हैं इस सम्मान समारोह के मुख्य अंश। कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा मत्तु तेलंगाना महाराष्ट्रद समस्त सहोदर सहोदरियरिगे नन्न प्रीतिपूर्वक नमस्कारगळु। स्वामीजीद भक्त स्वभावदिंद योगी मत्तु आध्यात्मिक ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಹಮ್ ಇಧರ 10 ವರ್ಷೋ ಸೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ ಆತೆ ಹೇ ಸಬ್ ಸಂತ ಮಹಾಪುರುಷೋ ಸೇ ಹಮಾರಾ ಬಹುತ್ ಪ್ರೇಮ ಹೇ ಔರ್ ಆಜ್ ತೋ ಪೂರಾ ಇಸ ಸಿದ್ಧ ಪೀಠ ಕಾ ಗೌರವ ಹೇ ಕಿ ಹಮಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೆ ಪೂರ್ವ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸಮಯ ದೇಶ ಕೆ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ और हमारे देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के आशा और विश्वास के केंद्र आदरणीय श्री राजनाथ जी हमारे बीच में एक बार पूरे कर्नाटक और समस्त इस पीठ के भक्तों की ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। उनका बहुत ऊंचा चरित्र, बहुत ऊंचा जीवन और पूज्य हमारे इस सिद्ध पीठ के
सिद्ध रामेश्वर जी हमारे गुरु जी का संकल्प है कि आज इतना ये भव्य और दिव्य आयोजन और इसमें हमारे अनुज हमारा से उम्र में छोटा है, अभी हमारा अनुज शिवयोगी जी और हमारे जगतगुरु जी पंचम शिवलिंगेश्वर जी महास्वामी जी, चंद्रशेखर शिवाचार्य स्वामी जी, आदरणीय भाई सुरेश जी, प्रहलाद जी, भगवंत खूबा जी, डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी और हमारे भंवरलाल जी आदि, एक बार मंच पर आसीन सब महापुरुषों का जोरदार अभिनंदन है। देखो, आप लोगों को किसी को तमिल ज्यादा आता है, कन्नड़ तो आता ही, आपको मराठी, अलग अलग भाषा भाषी है, लेकिन एक अच्छी बात है कि हमारे आप सब भाई बहन कोई थोड़ा कोई अधिक हिंदी जरूर समझते हैं। हमारे यहाँ के ये बंजारा समाज का छोटा सा लड़का ये स्वामी जी के आशीर्वाद से MLA बन गया और ये हिंदी में भी बात कर रहा था, कन्नड़ में भी, तो आपका है ही है, लेकिन हिंदी सब समझते हैं। मैं छोटी छोटी बात कहता हूं, हमारे शास्त्र में वेद में एक मंत्र है, व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धया सत्यम आप्यते। छोटे छोटे व्रत, प्लेच, ओथ, संकल्प, वो हमारे जीवन को दिव्य बना देते हैं। हम दीक्षित हो जाते हैं व्रतों से, हमारे वो व्रत हमारे आचरण का हिस्सा बन जाते हैं और उससे हमारे जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां और सफलताएं हमें मिलती हैं और अंततः जीवन में सत्य और परम सत्य का साक्षात होता है, ये इसका अर्थ है। व्रतेर दीक्षा आपनोति दीक्षा आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति श्रद्धया सत्यम आप्यते। तो छोटे छोटे व्रत ले कि मुझे भोर में सुबह उठ करके योगाभ्यास करना है, ये एक व्रत है। योगाभ्यास करेंगे तो आजकल BP, शुगर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, गैस, एसिडिटी, बहुत तरह की बीमारी है। दो चीजों में हमारा पैसा सबसे ज्यादा बर्बाद होता है, एक व्यसना, बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशा, एक ये नाश करने वाला है, दूसरा बीमारी। इन दो में करीब देश का 10,00,000,000,000 रुपए से ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। सुबह उठ करके योग करेंगे, हम हमारे सब महापुरुष योगी हैं और हमारे अवधूत बाबा जी भी शिव योगी हैं, यहां शिव की उपासना भी करते हैं और भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, हमारे सब महापुरुष, भगवान वसवन्ना, सब ज्ञानेश्वर, गाड़गे जी महाराज, तुकड़ो जी महाराज, सब हमारे महापुरुष योगी थे। हम योगियों की संतान है, हम ऋषियों की संतान है, हमें योगी होना है। तो एक व्रत सुबह उठ करके योग करने का, और ये तो योग की भूमि है, तो हम थोड़ा सा आपको योग बताते हैं। बाबा आए और योग ना सिखाए तो अच्छा नहीं लगता है। तो देखो, सुबह उठ करके दो मिनट कर लेना, मैं तो 5 मिनट करता हूं और मुझे कभी सर्दी जुकाम कफ ये कुछ भी नहीं होता। BP शुगर तो मेरे पड़ोसियों को भी नहीं होता। और हमारे बाबा जी थोड़े से तगड़े हैं अभी, ये भी मेरी तरह से थोड़े दिनों में पतले हो जाएंगे। 2 मिनट यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे करना, मैं तो ऐसे जोर से करता हूं। तो मुझे -20 डिग्री में भी यही पहन के रहता हूं, स्वेटर नहीं पहनता। मैं उधर चाइना बॉर्डर पर गया तो ऐसा, अमेरिका जाता हूं तो भी ऐसा, अभी भी
जाना पड़ सकता है, तो भी ऐसे ही रहता हूं, कोई स्वेटर नहीं, कोई हीटर नहीं, अंदर से हीटर है प्राण का। कैसे देखो, ऐसे करता हूं, दो मिनट आपको एक मिनट करके बताता हूं, आप लोग भी ट्राई कर लेना। मैं 5 मिनट ऐसे करता हूं, तो अभी तो गर्मी है तो इसलिए पसीना आ गया, 5 मिनट में मुझे पूरा पसीना आ जाता है। इसलिए बहुत से बाबा बहुत तगड़े तगड़े होते हैं, बोले बाबा जी का पेट और मंदिर का गेट दूर से ही दिखाई देता है। ज्यादा मोटा पेट अच्छा नहीं होता है, एक तो ये करना, दूसरा इसका क्या नाम है, जोर से बोलो, कपाल भाति। सबको पता है जो कपाल भाति लगाएगा उसका माथा चमचमाएगा, उसको फेयर एंड लवली नहीं लगाना पड़ेगा, उसको कोई कॉस्मेटिक नहीं लगाना पड़ेगा, और पेट एकदम अच्छा है। अभी तो हम खा पी करके इतना पतला है, थोड़ा खिला दिया था, बिना खाए तो पूरा अंदर तक रहता है, इससे पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक रहता है। इधर लीवर है, इधर स्प्लीन, बीच में पेनक्रियास, ये प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, सब ये 5 मिनट्स कर लेना, 1 second 1 stroke, विद इन 5 मिनट्स 300 strokes, कितना अच्छा है, ये सब पूरा अच्छा रहेगा ना, तो भूख अच्छा लगेगा, नींद अच्छा आएगा, विचार अच्छा आएगा, एकदम शांत हो जाता, चित्त एकाग्र हो जाता है। क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमय, 5 अवस्थाएं हैं चित्त की, क्षिप्त चित्त, मूढ़, विक्षिप्त चित्त, अशांत रहता है, एकाग्र चित्त हो करके अपना कर्म को धर्म मान करके भगवान वसन्न कहते हैं काय कवे कैलाशम। काय कवे कैलासा, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, यदा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणात्म अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अपने कर्म से प्रभु की आराधना पूजा करो, कर्म ही धर्म है, बोलिए कर्म ही, जोर से बोलो कर्म ही, और ये इस मठ की परंपरा है, या कोई धर्म का, मजहब का, मत का, पंथ का, जाति का कोई आग्रह नहीं है, कोई सर्व धर्म सर्व मत सद्भाव यदि कहीं पर है तो वह इस सिद्ध पीठ में है। सब जात का व्यक्ति है यहां पर, और सब जात का भक्त और सब जात का साधु है, ये बात है कि कोई ऊंच नीच नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटे मत बांटो इंसान, एक हैं हम। और यदि आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात करो तो वेद का मंत्र, ब्राह्मणों से मुखम आसीत बाहू राजन्यः कृताः उरु तदस्य यद वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत। देखो 4 शब्द सुनना ध्यान से, जो अज्ञान को दूर करे वो ब्राह्मण, जो अन्याय को दूर करे वो क्षत्रिय, जो अभाव को दूर करे वो वैश्य, और जो अपवित्रता अशुचिता को दूर करे, स्वयं पवित्र रहे औरों को पवित्र करे, वो शूद्र होता है। ये है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की परिभाषा। में व्याकरण वेद शास्त्र पढ़ा हुआ, पढ़ा लिखा बाबा जी हूं, अनपढ़ नहीं हूं, इसलिए शास्त्र की व्याख्या कर रहा हूं आपसे। यही हमारा ब्राह्मण है, सबका यही ब्राह्मण है, यही सबके क्षत्रिय हैं, ये वैश्य है और ये शूद्र है। सब चरण पूजा करते हैं, कोई मस्तक पूजा नहीं करता। शूद्र अछूत नहीं है, शूद्र तो पूज्य है समाज में, वो हमारे सिद्ध रामेश्वर जी महाराज ने ये प्रतिष्ठा किया। तो सुनो, तुम्हारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब ठीक रहेगा। कपाल भाती करना,
फिर अभ्यास के बाद ये पेट हल्का हो जाए तो अंदर चला जाता है तो बाह्य प्राणायाम होता है ऐसे। और अंदर जाके फिर घूम जाए तो फिर अगला कार्यक्रम हो जाता, उसको नोली कहते हैं। कुछ लोग ना हंसते ही नहीं, कुछ बोलते अरे साहब आप प्रधानमंत्री हो गए हो, आप गृह मंत्री हो गए हो, आप बड़े बाबा जी हो गए हो, आपको हंसना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे गृह मंत्री जी खूब हंसते, एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है, और मस्त रहते हैं। और इस देश में इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं राष्ट्र की एकता अखंडता संप्रभुता के लिए, और आजादी के 70 वर्षों के बाद कश्मीर में जितने भी देशद्रोही ताकतें थी उनकी सफाया करने का काम किया है तो राजनाथ सिंह जी ने किया। पत्थरबाजों से लेकर के देशद्रोहियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। और हमारी लाखों गायें कटने के लिए, करोड़ों गायें कटने के लिए हिंदुस्तान के बॉर्डर से बांग्लादेश में चली जाती थी, उनको बचाया है। और जो अवैध बांग्लादेशी हिंदुस्तान में घुसे हुए थे उनका भी मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्दी ही उनको भी अपने ठिकाने पहुंचाने का काम आदरणीय राजनाथ जी करने वाले हैं। ये बहुत जरूरी काम है। ये हिंदुस्तान, इसमें 125 करोड़ लोगों की हिफाजत बहुत जरूरी है। उसके लिए कोई अवैध कोई व्यक्ति हो, अवैध कोई नागरिक हो, अवैध कोई काम हो, वो तो होना ही नहीं चाहिए। और इतनी प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं, इसलिए योग से तो हमारी रक्षा होगी लेकिन राजयोग से राष्ट्र की रक्षा होगी, वो हमारे कर रहे हैं राजनाथ जी। हाँ, राजयोगी हैं ये पक्के। तो कपालभाति बाह्य प्राणायाम, और एक तो जरूर करना है सबको। देखो भाई, सबको ना ये अनुलोम विलोम करना है। जितने भी आप बैठे हुए हो, एक बार जरा दाएं हाथ उठाओ, ऐसे ऐसे लगाओ, नाक से लगाना, बाएं से लेना, ये करके देखो, मन एकदम शांत हो जाएगा। अभी ध्यान मंदिरम ध्यान मंडपम बनाए ना, ध्यान लग जाएगा। हमारे भीतर ही यहीं पर शिव है, यहीं पर राम है, यहीं पर हनुमान है, यहीं पर घनश्याम सा भगवान अंदर है ना। तो ऐसे सब मेरे साथ करके देखो, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ दिया, राइट से लिया, ऐसे जोर से करे तो जवान को जोर से करना, जिसको हाइपरटेंशन हार्ट हाई बीपी का प्रॉब्लम कमजोर वीकनेस है तो जोर से नहीं करना है, तो ऐसे एकदम शांत हो जाए। शिवोहम शिवोहम तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मायम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, ये जो हमारा वैदिक उद्घोष है, हमारे भीतर ही 72,72,10,201 नाड़ियां हैं, 72,72,10,201 नाड़ियां, अष्ट चक्र नव द्वार देह देवालय शिवालय है। ये योगाभ्यास से देह देवालय शिवालय हो जाता, और हम आत्माएं जो स्वभाव से ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वभाव अपने स्वरूप में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये योग की महिमा है। रोग तो मिटेंगे, डिजीज फ्री लाइफ, दिस इज द इनिशियल बेनिफिट ऑफ योगा, अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन एंड डिविनिटी, दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ अपने आप। फिर इसके बाद देखो, अनुलोम विलोम के बाद पहले उंगली माथे पर, शेष ने उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ऐसे नाद करना। ऐसे नाद करना 3 से 5 बार, ओंकार का नाद हो गया है, भ्रामरी प्राणायाम। अब सब लंबा गहरा श्वास भरेंगे, आंखें बंद करेंगे, आप धर्म स्थान पर हो, आप इस तीर्थ भूमि पर हो, पुण्य भूमि पर हो, तो एक बार भगवान नाम का स्मरण करके अपने पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रति भी अपनी आस्था और विश्वास
और हमें गुरु परम गुरु प्रभु तक लेके जाते हैं, उनके साथ हम एकात्म होकर के ओंकार का उच्चारण करेंगे। लंबे गहरा श्वास भर के 3 बार सभी को मेरे साथ उच्चारण करना है। ओ सभी लंबा गहरा श्वास भरिए, टेक अ डीप ब्रेथ एंड एक्सहेल इट विद द साउंड ऑफ ओम। शांत हो जाएंगे, ऐसे थोड़ी देर फिर मौन हो करके और अपने आराध्य का ध्यान करना, उनके साथ एकात्म होना, मुझ में ज्ञान की शक्ति, भाव की शक्ति, कर्म करने की शक्ति सब प्रभु दे रहा है, मैं निमित्त मात्र हूँ। इस भाव से निरहंकारी होकर के निष्काम जीवन जीना, ये योग। ऐसे ये 5 प्राणायाम तो सब कर सकते हैं, ये 5 अभ्यास तो सब करना। और जो जवान हैं बेटे बेटियां घर में, उनको सूर्य नमस्कार कराना, उनको शीर्षासन कराना, 1 आसन कर लो। हम तो जमीन पर भी करते हैं, -20 डिग्री पर बर्फ में भी करते हैं। 1 आसन भी बच्चों को सिखा दीजिए, आपका जीवन ना पूरा दिव्य होता चला जाता है योग से। मुझे बचपन में पढ़ा सिस्ता पूरा लाइफ साइड, मेरे पैर दोनों मिला करते थे, चलते समय घुटने गिर जाता था, पेट इतना मोटा था, मुझे लोग पेटल पेटल कह के चढ़ाया करते। मैंने योग किया बचपन से, अभी मैं योग की बात बस खत्म करता हूं, फिर 2-3 बात छोटी छोटी मुझे कहनी है। योग में शीर्षासन, मैं इसलिए ये मुझे पता है कि आप आस्था चैनल पर और सारे चैनलों पर भी अलग अलग मैं योग करता हूँ। इधर अभी तो मैंने साउथ में भी तमिल तेलुगु कन्नड़ में भी योगाभ्यास का कार्यक्रम शुरू कर रखा है हमने, उसका ट्रांसलेशन करके। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं स्वामी हूँ, योगी हूँ, साधु हूँ। साधु को, गृहस्थ को, सबको योग करना है तो ही उनका जीवन सुखी रहेगा। तो कितना एनर्जी होना चाहिए देखो, एक तो शीर्षासन बच्चों को भी, इतना तो सब बच्चों को भी आना चाहिए, फिर बैलेंस बता रहा हूं थोड़ा सा कि आपका जीवन में नियंत्रण हो, आपका अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने श्वासों पर, अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, आत्मनियंत्रण, आत्मनुशासन नहीं है तो जीवन आपका सुखी हो ही नहीं सकता। 1 व्रत योग का, 2 व्रत कर्म योग का। लोग बोलते हैं बाबा रामदेव बहुत सक्सेस साधु हो गया, इसका राज बताओ बाबा जी, व्हाट इज द मंत्र ऑफ सक्सेस? तो द मंत्र ऑफ सक्सेस इज योग एंड कर्म योग। सुबह सुबह योग करो, और दिन भर मैंने बोला था ना, स्वकर्मणात्म अभ्यर्च काय कवे कैलाश कर्म ही धर्म। सुबह से शाम तक 16 से 18 घंटा कर्म करो,
खेती में कर्म करो, बिजनेस व्यापार में कर्म करो, राजनीति में हो तो राज कर्म करो, राज धर्म राष्ट्र धर्म का कर्म करो। कर्म ये दूसरा व्रत। तीसरा, सुबह उठ के सब मेरे साथ बोलेंगे माता भूमि ही, सब बोलो माता भूमि ही, पुत्रो हम पृथिव्या मातृदेवो भवा पितृदेवो भवा आचार्य देवो भवा राष्ट्र देवो भवा अतिथि देवो भवा। सुबह उठकर के धरती माता को प्रणाम करना, माता भूमि ही पुत्रम पृथिव्या, ये वेद का मंत्र है, ये धरती हमारी माँ है। सुबह उठकर के धरती माता को प्रणाम करना और संकल्प करना कि मेरी रगों में लोहू की आखिरी बूंद तब तक शेष रहेगी, मैं भारत माता की सेवा करूंगा, देश के साथ धोखा और गद्दारी नहीं करूंगा, ये संकल्प होना चाहिए। माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, बड़ों का आदर, ये हमारा धर्म संस्कृति। और अंत में एक बात कि हमको अपना ये व्रतों के साथ जीवन को पावन बनाने के संकल्प लेते हुए अंतिम बात कह रहा हूं, इस नर में नारायण को प्रकट करना, जीव से ब्रह्म होना, नर से नारायण होना, यह हमारे जीवन की यात्रा है। इसी के लिए बड़े बड़े समारोह हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर नराणम धर्मो हितेशम अधिको विशेषो धर्मेण हीरा पशुभिः समाना। तो हम सब धर्म का आचरण करें, धर्म के पथ पर चलें, धर्म माने सत्य न्याय के पथ पर चलें, अपने कर्म को अपना धर्म मान करके आगे बढ़ें, जीवन को दिव्य बनाएं। आज जो इतना ये दिव्य और भव्य आयोजन हो रहा है, हमारे इस महान परंपरा में जो हमारे सिद्ध रामेश्वर जी महाराज जो सिद्ध पुरुष थे और हमारी संत परंपरा ऋषि परंपरा के गौरव थे, और उसी को हमारे शिव योगी जी मुर्खा राजेंद्र जी ये बहुत प्रामाणिकता से निभा रहे हैं, हम अपनी इस गौरवशाली गुरु परंपरा का आदर करते हुए, अपने गुरुओं ने जो हमें मार्ग बताया उस मार्ग का अनुसरण करते हुए, और आज इतना ये भव्य और दिव्य आयोजन मना रहे हैं, एक बार हमारे डॉक्टर महास्वामी जी का सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, इनको बहुत बहुत प्रणाम है। हमारे यज्ञ पुरुष हैं, हमारे इस सिद्ध परंपरा के ऋषि पुरुष है, और हमारे गृह मंत्री जी ने आकर के इस पूरे क्षेत्र को और कर्नाटक को और स्वामी जी के सब भक्तों को जो गौरव प्रदान किया है, एक बार हमारे गृह मंत्री जी राधनाथ जी का एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। जोरदार करतल ध्वनि से बोले भारत माता की, दोनों हाथ उठा के ऐसे मुट्ठी बांध के, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत, बहुत।